अब ये सब स्टिकर वगैरह निकलेगा तो अच्छा कलर। अच्छा स्टिकर लगा, हाँ स्टिकर लगाना। तो कांच वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज वापस से किचन का काम स्टार्ट हो गया है, मतलब आज तो फिनिश हो जाना चाहिए। अभी कारपेंटर भैया लोग आए हुए हैं, काम चालू हो गया। कुछ कुछ पार्सल अभी भी मिसिंग है तो पता नहीं कब आएगा। अंदर ग्रीन ग्रीन है। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल रिशु के लिए, कुछ कुछ सामान मंगाई मम्मी। एब्डोमिनल क्या बोले उसको, ग्रिप नहीं पता नहीं कुछ तो बोले, वो लेके आना है। मैं आ रहा हूँ पापा हॉस्पिटल से। तो मैं आ गया मनोहर मेडिकल एब्डोमिन बाइंडर लेने। भाई एब्डोमिन बाइंडर है क्या, साइज 44? तो एब्डोमिनल बाइंडर ले लिया मैं। वापस जाऊंगा डॉक्टर्स पार्किंग, फिर वहां से वार्ड। और आज रिशु थोड़ी बेटर है, आज अब उसको दर्द थोड़ा कम हो रहा है ऐसा मम्मी बोली। अब जाके पूछता हूँ क्या रिपोर्ट है। तो चलते हैं हॉस्पिटल, बाजू में ही हॉस्पिटल वैसे तो, यहीं से दिख भी जाते हैं। वैसे देखोगे ना उस साइड कोई हॉस्पिटल है। What is up guys? क्या लाइव चला रहे हो, चार चार फोन में बात करो पागल। हाँ। नहीं कैसे रिशु, सो रही है क्या? A few inches later. No tata, bye bye. जा रहा। किचन का कुछ कुछ सामान छोटा मोटा बचा है वो लेने आया हूँ, देख के निकलते हैं फट से। तो आज लंच के लिए बुआ फूफा ने बना के भेजा है पुलाव एंड कीमा। मज़ा ही आ जा रहा है फूफा तो एकदम एक से एक मेन्यू लेके आ रहे हैं। कल रात में भी चिकन करी ला के दिए थे फूफा, लेकिन वो मैं शूट करना भूल गया था कल के वीडियो में भी। तो एकदम मस्त, अभी खाते हैं इसको और उसके बाद शायद मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा रिशु को, क्योंकि दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं आप, मतलब मम्मी वाले वार्ड में, क्योंकि जहाँ अभी रिशु है ना वहाँ ठीक से एसी वैसी नहीं चल रहा था। तो मम्मी वाले वो जहाँ जाएगी वहाँ अच्छा एसी है, तो अभी शायद थोड़ी देर बाद मेरे को जाना पड़ेगा। गाइस तो अब हो रहा है 6:36, मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मम्मी को लेके आने के लिए। मम्मी थोड़ा घर आऊँगी बोल रही थी, तो अभी निकलते हैं और फट से मम्मी को लेके आता हूँ। तो 6:48 हो गया है, मम्मी को लेने पहुंच चुका हूँ। रिशु को अब शिफ्ट कर दिया NICU में, क्योंकि जो वार्ड में थी वहाँ AC नहीं था और कैबिन्स अभी खाली नहीं है SPHU सेक्टर 9 के। तो
तो आप जो भी लोग मिलना चाहते हो अभी नहीं मिल सकते, आप वेट कर लेना क्योंकि मंडे के शाम को तो घर आ जाइए, तो उसके बाद आप लोग घर आके मिल सकते हो बेबी से भी और रिशु से भी। फिलहाल हॉस्पिटल मत आना कोई मिलने, क्योंकि नहीं मिल पाओगे। एकदम मस्त मौसम हो रहा है, ज़ोरदार। फाइनली इतने देर वेट करने के बाद मम्मी आ चुकी है, तो अब हम चलते हैं घर। तो गाइस आ चुके हैं मैं और मम्मी घर वापस। अब मम्मी वापस थोड़ा तैयार वगैरह होगी। मम्मी ये तो देखो आप ही को देख रहे थे, है ना। अब ये सब स्टिकर वगैरह निकलेगा तो अच्छा कलर। अच्छा स्टिकर, हाँ स्टिकर लगाना। हाँ तो मस्त कांच वाला है, कांच बन के आएगा तो उसमें अभी उसको खोलना नहीं है ना, उसमें हाइड्रोलिक नहीं लगा अभी। कांच का बर्तन लगेगा, कुछ भी रख सकते हो। इसमें क्या रखना है? वो ओपन वाला है, वो वैसे ही ओपन वाला, वो कोने में भी आएगा तो इसको यहाँ से निकलवा के यहाँ लगाऊंगा। वाटर प्यूरीफायर यहाँ से यहाँ ऐसे भरते भी बनेगा, रिपेयर रहेगा तो खोल भी लेंगे। वो लगाएगा, ये तो लगा दिया, ये तो लग गया। मैं इस साइड खुलते वो लकड़ी लगाएगा ना, वो जो आएगा वो यहाँ लगेगा ना, ऐसा लगेगा, ये ऐसा करके ऐसा करके वही तो पल्ला नहीं आया ना, यही पल्ला चार ठोक बचा है। हाँ ये भी ओपन वाला है, इसमें क्या रखें? कुछ भी रख सकते, शेल्फ बनेगा ना इसमें, एक शेल्फ तो बड़ा वाला ग्लास व्लास, और ये वाला देखो इसमें ना दो शेल्फ है अंदर, नहीं मतलब एक शेल्फ है, तो इसमें शेल्फ नहीं करवा के अपन वाले में शेल्फ करा लेते है ना, इसका जब शेल्फ आएगा तब बाद का बात। हाँ ये यहाँ पे अपन लोग कप वप ऐसा रख देंगे इसमें, हाँ यहाँ पे सामने वाला है ना तो इसमें रख देंगे, अपने आप जाएगा। अरे मम्मी ऑटो क्लोज होता है, अब यहाँ नीचे पूरा प्रोफाइल लाइट आएगा तब अच्छा दिखेगा, अभी कोई लाइट नहीं है तो अंधेरा अंधेरा हो गया है ना। हाँ ये पूरा धूल है अभी भी, ओवन के ऊपर ऊपर है। इसका भी गेट आया हुआ है, बस इसका शेल्फ है ना वो गड़बड़ साइज का है। यहाँ से यहाँ एक गेट है, करीब करीब यहाँ तक एक गेट है, फिर यहाँ माइक्रोवेव वाला इतना ओपन है, फिर यहाँ से यहाँ एक है, फिर एक और शेल्फ है, यहाँ तीन शेल्फ आएगा, मिक्सी विक्सी वो सब। तो अब बस मम्मी नहाएगी फिर अपन लोग, हाँ फिर हम लोग वापस निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। Much, much, much later. Guys, अभी बज रहा है 8:10, अब हम लोग निकल रहे हैं वापस हॉस्पिटल के लिए छोटी ऋषि से मिलने। शीरो अभी तुम नहीं जाओगे कहीं, बाद में जाना, अब हम चलते हैं हॉस्पिटल। तो अभी मेरा जिंदगी यही हो गया है, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल का। अभी जाता हूँ रहने से मिल के आता हूँ बढ़िया, और फिर आप लोगों को ब्लर में दिखाऊंगा। फिर अलग दिख रही है आज, हाय रहने, आज अलग दिख रही है। मैं तो अभी तक छुआ भी नहीं, मेरे को टेंशन लगता है एकदम, बीमार नहीं तब भी, अभी नहीं चला, अब घर जाने के बाद करूँगा, अभी डर लगता है बहुत। पूरे ही गांव में होते हैं। नहीं तो जब भी सोते ही रहती, जब मैं आता तब यार रोते रहती है, भाड़ भाड़ के चिल्लाती है, बाप रे। ये रोई तो भाई मैं दूर थी, मम्मी रो रही थी तो मैं बोली काय रो रही हो, ये मैं कहेगा था ऐसे इफेक्ट से क्या के फीडिंग वाला पैंट और शर्ट वाले का ले सकते, ऐसा वाला मिलता ही नहीं वहां, गाउन टाइप वाला ही मिलता है। मैं बोलना नहीं है रे, अच्छा मैं अकेले कैसे जाऊंगा, ठीक है मैं चलूंगी कल, थोड़ा दिन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है बाय बाय गुड नाइट। तो मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल से, और मेरे और पापा का डिनर लेके जो कि फिर से बुआ लोग के यहाँ से आए। चलो पापा खाना खाने, शिवांगी सिंह
सी गुंजन सक्सेना डी दुर्गादास करोड़पति का करोड़पति। तो आज है डिनर में लौकी चना दाल राइस एंड रोटी। तो यार डिनर वगैरह हो गया, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।